हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश राणा आज फिर हाजिर हूँ एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट प्रोटेक्शन, अर्थात हम अपने हार्ट की सुरक्षा कैसे करें। तो दोस्तों, आइए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबका अपने इस हेल्थ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सा टेस्ट है जिसके कराने से ये पता चलता है कि हमारा हार्ट सुरक्षित है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल हमारे शरीर के अंदर जो है फैट लेवल को अलग अलग कैटेगरीज में जो है डिफाइन करता है। इसमें सबसे पहले आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू अगर 200 से नीचे है तो यह डिजायरेबल होती है, और अगर यह 200 से लेकर 239 यानी 239 तक है तो ये बॉर्डर लाइन रिस्क होता है, और अगर ये 240 से ऊपर हो गया कोलेस्ट्रॉल तो ये फिर जो है आपके हार्ट के लिए जो है हाई रिस्क होता है, यानी कि अलार्मिंग साइन होता है। अब दूसरी चीज आती है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड अगर 150 से नीचे है तो डिजायरेबल है, और अगर यह 150 से 199 के बीच में है तो फिर यह जो है बॉर्डर लाइन रिस्क होता है, और अगर यह 200 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि यह हाई रिस्क है, खतरे वाली बात है। अब बात करते हैं एचडीएल। एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर के लिए। इसकी वैल्यू जो है अगर 60 है तो डिजायरेबल है, और अगर यह 35 से 45 के बीच में है तो यह बॉर्डर लाइन रिस्क है, और अगर यह 35 से नीचे है तो फिर यह हमारे हार्ट के लिए जो है खतरे की घंटी है। अब बात करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है लो डेंसिटी लिपिड होता है, जिसमें कि अगर यह जो है 60 से 130 के बीच में होता है तो डिजायरेबल होता है, और अगर यह 130 से 159 के बीच में होता है तो हमारे हार्ट के लिए बॉर्डर लाइन रिस्क होता है, पर अगर यह बढ़ करके 160 से ऊपर हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे हार्ट के लिए जो है हाई रिस्क होता है। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल रेशियो का देखा जाए तो अगर इसमें 4 की रेशियो है तो डिजायरेबल है, और अगर 5 की रेशियो है तो बॉर्डर लाइन है, और अगर हाई रिस्क है तो इसका मतलब है कि 6 की रेशियो है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल और एलडीएल, इन सब का क्या रोल होता है हमारे शरीर में। दोस्तों, ये हमारे शरीर में कब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, किस कारण से बनता है, इसके बारे में मैंने अपना एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका कि मैं जो है अपने इस वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। लेकिन हम अभी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे और इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन यह जब ज्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यह ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे शरीर के अंदर फैटी एसिड के रूप में जो है स्टोर होता है, यानी कि यह एक एनर्जी और कैलोरीज के फॉर्म में जो है हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है। जब हम खाना नहीं खाते हैं या फास्टिंग होती है या हमें खाना नहीं मिलता है तो यही जो है फैटी एसिड जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके हमें जो है शरीर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। दूसरी बात करते हैं अब यहाँ पे जो है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल जो भी एक फैटी एसिड है, ये जो है हमारे शरीर के अंदर जो है कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग करता है, और साथ ही साथ कई तरह के हार्मोन्स के भी निर्माण में काम करता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर हो रहे बायोकेमिकल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे के बारे में, यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि अगर यह प्रॉपर मात्रा में होता है तो हमारे शरीर के खून के अंदर यानी ब्लड में जो है जितने भी अननेसेसरी फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड जो है दौड़ रहे होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं, उनको जो है ये ट्रैप करके, पकड़ करके जो है लीवर में ले जा करके जमा करता है। ठीक इसी तरह से एलडीएल इसका उल्टा काम करता है, जो कि हमारे लीवर से जो है तमाम फैटी एसिड को जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है और शरीर के अंदर जो है ले आके छोड़ देता है, यानी कि
हमारे लीवर से फैटी एसिड को निकाल करके हमारे नसों में, हमारे ब्लड में छोड़ देता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है और उतना ही जो है हमारे नसों के अंदर जो है ब्लॉकेज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट के बारे में, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इनको कंट्रोल करने के लिए आपको जो है रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है और अपने वजन को कम करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो है आप अवॉइड कर सकते हैं शुगर को, मिठाई को और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट से अलग कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है आप अपने अल्कोहल कंजम्पशन को यानी कि ड्रिंक को जो है बिल्कुल लिमिट में कीजिए, क्योंकि जब आप ड्रिंक लेते हैं तो ये जो है हमारे लीवर को स्टिमुलेट कर देते हैं, जो कि फैटी एसिड जो है बहुत तेजी से बनाना शुरू कर देते हैं। लास्ट में दोस्तों मैं आपको और बताऊंगा कि इसका होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हो सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है सबसे पहले आप जो है गाउटेरिया गमेरी मदर टिंचर आती है, दूसरी जो है क्रेडिगस की मदर टिंचर आती है, और तीसरी जो है एलियम सटाइवम की जो है मदर टिंचर आती है। ये तीनों दवाइयां आप ले सकते हैं और इसको जो है 1/4 कप पानी में जो है आप 10-10 बूंद तीनों दवाओं को डालिए और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लगभग 1 महीने तक पीजिए। 1 महीने पीने के बाद आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराइए और फिर उसके बाद में अगर आपका लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में है तो फिर उसके हिसाब से आप इस डोज को सुबह शाम कर सकते हैं और फिर बाद में जो है 1 टाइम ले सकते हैं। इस तरह से आप जो है अपने हार्ट को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने हार्ट को सुरक्षित कर सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हार्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लास्ट में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।